हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पंजाबी कैप बनाने का तरीका बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इसमें मैं आपको हर साइज की छोटी और बड़ी कैप बनाने का तरीका बताऊंगी, इसलिए वीडियो में बने रहिए। इसके लिए मैंने ये कपड़ा ले रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 18-18 इंच है। ये 1 साल के बच्चे के लिए कैप बनाऊंगी और इसमें ना ही सिलाई मशीन की जरूरी होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको इस प्रकार से त्रिकोणा टाइप में हम कर लेंगे, यानी वो ट्राइंगल शेप बोलते हैं ना, उस प्रकार से हमें इसको कर लेना है इस प्रकार से, और एक बार फिर से इस प्रकार से कर लेंगे इस प्रकार से। और हमें यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाना है, 9.5 इंच पे कॉर्नर पे हमें 9.5 इंच ही रखना होगा और 9.5 इंच पे घुमाते हुए निशान लगाना है 9.5 इंच पे इस प्रकार से। हमें निशान लगा लेना है 9.5 इंच पे। और गोलाई में शेप देते हुए हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हमें सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करते हुए बराबर में ला लेना है। बराबर मिलाने के बाद यहाँ पे हमें दोनों साइड कट लगाने हैं इस प्रकार से। और अब हमें सुई धागा लेना है। एक साइड जो हमारी साइड है ये बिल्कुल बंद वाली साइड है, यहाँ पे कटिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल बंद है ये। ये साइड हमने अपनी तरफ कर लेनी है और सुई धागा लेना। और यहाँ पे हमें आधा आधा इंच का गैप रखते हुए इस प्रकार से छोटी छोटी सुई धागे की मदद से सिलाई लगानी है। इसको हम अपनी भाषा में टेप भी बोलते हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार से दूसरे कोने तक ले आएंगे और यहाँ पे जो हमने कट लगाया था इसका ध्यान रखेंगे, कहीं इधर उधर सरक गया तो हमारी टोपी में झोल आ जाएगा। इस प्रकार से जो ये हमने कट लगाया है यहाँ तक हमें इसको सुई धागे की मदद से सिल लेना है। और यहाँ पे हमें इसको इस प्रकार से मिलाते हुए अच्छा गहरा सा बांध लेना है, बिल्कुल इस प्रकार से। इसको गोलाई में शेप देते हुए ये जो सिलाई है इसको दूसरी साइड इस प्रकार से निकाल लेंगे। अच्छे से दोनों साइड को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए यहाँ पे अच्छे से बांध लेना है। और यहाँ पे हमें सुई धागे से गांठ लगा देनी है। और इसको कट कर देंगे। और बांधने के बाद यहाँ पे हमें एक फूल स्टाइल में ये देखिए लेना है। इसको कोई भी स्टाइल में हम बना सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने बटन बांध रखा है और यहाँ इसके ऊपर जो ये हमारा जॉइंट है इसके ऊपर अच्छे से इसको लगाते हुए सिलाई कर देनी है। अच्छे प्रकार से हमें सिलाई करनी है ताकि ये हमारी जो नीचे की सलवटें हैं वो दिखाई ना दे और अंदर की साइड वो सिलाई आ जाए।
और ये सिलाई लगाने के बाद हमारी ये कैप कंप्लीट हो जाएगी। और इसे हमें छोटी और बड़ी साइज की बनानी हो तो, छोटी बनानी हो तो 1 इंच हम कपड़ा कम ले सकते हैं या 2 इंच भी कम कर सकते हैं, छोटे बिल्कुल शिशु की बनाते हों। और बड़े की बनानी हो तो 2 साल तक के बच्चे के लिए हमें 1 इंच और बढ़ा लेना है, और 2.5-3 साल के बच्चे के लिए हमें इसे 2 इंच ज़्यादा कपड़ा रखना होगा। और ये हमारी टोपी बनके तैयार हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सिलाई से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें।